हेदा लुवीज हव यू ऑल कैसी है मेरी लाविज आर्मी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कल है पहला सावन सोमवार देखेंगे कि अभी ये सावन सोमवार आपकी लाइफ में आने वाला सावन का ये महीना आपके लिए क्या बदलाव क्या चेंजेस क्या मेराकल लेकर आ रहा है ध्यान रखें रीडिंग्स जनरल है हो सकता है आपको रेजोनेट करे हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे लेकिन अगर भगवान पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है हर एक रीडिंग्स आपको रेजोनेट करेगी ध्यान रखें ये मेरा यूट्यूब का मेन चैनल है जिसके आगे आपको टिक मेरे नाम के आगे टिक मिल जाएगा सेम गोज विथ इंस्टाग्राम के भी आगे आपको ब्लू टिक मिल जाएगा जो हाँ मैंने हाल ही हाल फिलहाल में परचेज़ करा है रीज़न बिहाइंड मैंने परचेज इसलिए करा क्योंकि मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट बन रहे हैं लोग आपको पर्सनली मेरे नाम से मैसेज कर रहे हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर ह्यूज ह्यूज एंड अमाउंट तो प्लीज़ इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दें गाइज प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है वो भी ऑफिशियल है जहाँ पे ब्लू टिक है सेम यूट्यूब पर भी मेरा जो चैनल है उस पर भी टिक बना हुआ है कल को आप कंसल्टेस लेते हैं मेरे पास आके लेते हैं या कभी फ्रॉड्स के थ्रू भी आप फंस जाते हैं आपको डाउट होता है कि कहीं ये रितिका मैम का ही नंबर है या कोई और रितिका मैम बन के बात कर रहा है तो जब भी पेमेंट ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिलेगा मेरी आई मिलेगी यू पी आई मिलेगी और आपको मेरा ही नाम वह मिलेगा या तो मेरा मिलेगा या तो मेरे मैनेजर आयुष का मिलेगा तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें और प्लीज़ इन फ्रॉड से अवेयर रहे बहुत सारे लोग इसमें फंसते जा रहे हैं ये लोग लोगों का बहुत बुरा फायदा उठा रहे हैं एंड यूजली सब बंगाल के लोग हैं क्योंकि जब भी इस नंबर को ट्रैक करा जाता है या मैं ट्रैक करवाती हूँ किसी के थ्रू तो ये बंगाल के लोग निकल रहे हैं मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ खराब नहीं बोल रही हूँ लेकिन बस इतना बता रही हूँ गाइस प्लीज थोड़ा अवेयर रहिएगा बिकॉज मुझे आपकी फिक्र है मुझे आपकी केयर है चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं सावन सोमवार मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है ध्यान रखें कल से बस एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना है भोले बाबा जी को जल चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का जाप करना है बेलपत्री चढ़ाना है दिली इच्छा बोलना है और घर आके बस उन्हीं का नाम जाप करना है और कुछ नहीं करना पूरा सावन ऐसे ही सावन सोमवार सावन का महीना ऐसे ही निकालना है और आपको अपने आप अंदर दिखना शुरू हो जाएगा भोले बाबा जी आप ही बताइए आज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए सावन का महीना कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए सावन का महीना कैसा रहने वाला है चाहे वो करियर से लेके परेशान हैं अपनी हेल्थ से लेके परेशान हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड परेशान है अपने करियर अपने कॉलेज से बेचारे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं आजकल मेरे पास एग्ज़ाम्स के लिए बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं कैनेडा जाना है मैम फिर से वीज़ा नहीं लग रहा है पीआर नहीं मिल रहा है प्लीज़ बोले बाबा जी सबको गाइड करें आज इन रीडिंग्स के थ्रू ताकि सबको एक क्लैरिटी मिले और सब लोग आपकी अब भक्ति में लीन हो जाए हर हर महादेव बोले बाबा गाइड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे व्यूवर्स को ये सावन का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए सावन का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए ओके okay, वाओ फर्स्ट कार्ड पहला कार्ड सेवन ऑफ कप्स पहले कार्ड का संकेत देख लो भाई सेवन ऑफ कप्स वाओ आई एम दिस इज़ रियली शॉकिंग हर हर महादेव व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून फोर ऑफ सोड्स पेज ऑफ पेंटिकल्स आज थोड़े ज़्यादा कार्ड निकालेंगे है ना भली हो जाने तो रीडिंग्स अगर बड़ी हो रही है तो आज थोड़ा अच्छे से गाइडेंस लेते हैं आज अच्छे से गाइडेंस लेंगे सिक्स ऑफ सोड्स फोर ऑफ कप्स फोर ऑफ पेंटिकल्स फाइव ऑफ Swords. एक और कार्ड निकाल लेते हैं पेज ऑफ सोड्स और बॉटम डेक वी हैव है ठीक है मैंने आज बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं आप लोग बोल रहे हो गए अरे दी आज इतने सारे कार्ड्स। आप तो यूजुअली फाइव कार्ड्स के साथ रीडिंग्स करते हो ओके okay. आई होप आप लोग को सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे अब एक एक करके कार्ड्स को समझेंगे एक एक करके कार्ड्स को जानेंगे क्या है सावन के महीने का संकेत सावन के महीने का क्या सार निकल कर आ रहा है चलिए समझते हैं पहले कार्ड ने ही इंडिकेशन दे दिया है कि ये महीना ऑप्शनस ही ऑप्शनस है, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रही हैं और ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ का कोई बैड टाइम ख़त्म हो रहा है कोई बुरा समय ख़त्म हो रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो पिछले कुछ महीने से बहुत चीज़ें फेस कर रहे थे बहुत परेशानी से आपने जो समय निकाला है वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है जो उदासी आपके अंदर थी आपने बिल्कुल अकेले कोने में बैठे हुए थे और बहुत चीज़ों को ले उदास हो रहे थे आपके पास मौके भी बहुत आ रहे थे लेकिन आप इतना ही अंदर ही अंदर खुद से अपसेट हो गए थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपने ओवर भी बना ली थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ मैं कैसे अपनी परिस्थिति से अपनी परेशानी से बाहर निकलूँ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पिछले समय से कोई दिमागी में चीज़ों की लड़ाई बनाते जा रहे थे जो चीज़ें नहीं भी हो रही थी हमने उसकी भी एक इमेज बना रही थी जो चीज़ें यू you नो know, हम बहुत नेगेटिव मतलब एक जोन में आप लोग जाते जा रहे थे बहुत ओवर थिंकिंग का शिकार आप बनते जा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि अब ये एंड है अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है अब मुझे चीज़ों में कोई बदलाव ही नहीं दिख रहे हैं लेकिन आप में से मैं बोलूँगी मेजरली सेवेंटी ऑफ द पीपल का एक बुरा समय एक बैड फेस ख़त्म हो रहा है और सावन सोमवार में एक अच्छी बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो रोज़ रात को आपके माइंड में पिक्चर होती थी कि कब चीज़ें बेटर होगी कब चीज़ों में बदलाव होगा कब चीज़ों में मैं अच्छे चेंजेस को एक्सपीरियंस करूँगा कब चीज़ों में मैं अच्छा बढ़िया काम करने लग जाऊँगा अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर गुस्सा भी बहुत रहा है कुछ लोगों को लेकर आप बहुत परेशान अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों की वजह से अपने आसपास के सिनारियों की वजह से भी आप बहुत लड़ाई झगड़ों में दिख रहे हो लेकिन थोड़ा इन लड़ाई झगड़ों से आप सेफ हो थोड़ा आप अपने आप पर ध्यान दो सबसे पहला इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार्ड्स में मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग अब अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत पॉजिटिवली दिख रहे हो चीज़ों पर काम करते हो बहुत पॉजिटिवली देख रहे हो लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है सीरियसली मैं तो बोलूँगी इमोशनली नहीं मेंटली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि जो एक नहीं होंगे हजारों होंगे मल्टीपल होंगे बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सावन सोमवार कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल गेन की तरफ लेकर जा रहा है कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ लेकर जा रहा है अगर आप उनमें से जो पैसों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं करियर को लेकर बहुत परेशान रहे हैं पहले फाइनेंसेज की बात करूँ अगर फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो तो मुझे स्टेबिलिटी बनते हुए दिख रही है सेविंग्स आप बहुत करने वाले हो आप पैसा बहुत सेव करने वाले हो अच्छी जगह पैसा आप लगाने वाले हो पैसों से रिलेटेड दिखता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ पहुंच रहे हो फिर भी अगर बहुत सारे लोग हैं जो फिनेंसेस को लेकर परेशान हो रहे हैं कोशिश करें कि रोज कोशिश करें शिवलिंग पर जाकर भोले बाबा जी को अक्षत चावल चढ़ाएं कच्चे चावल चढ़ाना चावल बना के नहीं चढ़ाना है कच्चे चावल जो होते हैं मैं आप फ़ोटो पोस्ट कर दूँगी सेम ऐसे आपको चावल लेकर जाना है और आपको ये वहाँ पर भोले बाबा जी के मंदिर पर डाल देना है मतलब सॉरी डाल देना नहीं मतलब जो शिवलिंग होता है ना शिवलिंग के पास आपको उनको चढ़ा देना है ये पहली चीज़ ये उन लोगों के लिए जो फिनान्स में बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिनानसिस के बेटरमेंट पर आ जाऊँ या फिनानसिस से मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल जाए मेरे सारे डेप्स मेरे सारे कर्जे खत्म हो जाए बिजनेस का ग्रोथ होने लग जाए तो कोशिश यही करें कि अक्षत दैट इज़ चावल भोले बाबा जी को बहुत चढ़ाएँ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप क्योंकि थोड़ा रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग अभी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशूज़ में फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें चल रही हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगनिंग होगी कुछ लोगों को एहसास होगा रिलेशनशिप की रियलिटी तो मिलेगी लेकिन कुछ लोग अपने आप को फिर से एक नई उम्मीद दे के आगे बढ़ाएंगे ये बहुत अच्छी बात दिख रही है रिलेशनशिप की बात करी जाए तो पिछले दो तीन महीने से आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा रहे हो बहुत ज़्यादा परेशान हो और फाइटिंग भी बहुत हुई है पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है मिसकम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं लेकिन समवेयर आई फील मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप दोनों के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स या मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज़्यादा बड़ा है छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़ बड़ी बनती गई और वही मिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिस नेगेटिव बनती गई तो वो चीज़ भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं लेकिन आई फील कि अगर रिलेशनशिप सिनारियों में मैरिज सिनारियों में बहुत परेशान है या पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रहा है पार्टनर बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है पार्टनर मुझे बिल्कुल समझ नहीं रहा है उस सीनारियों में मैं आपसे यही बोलूंगी कि जितना हो सकता है भोले बाबा जी को शहद शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं भोले बाबा जी को शहद चढ़ाएं और अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हो तो फिनेंसिस का भी मैंने आपको बता दिया है सेम कोज विद योर लव रिलेशनशिप ऑल्सो कोशिश यही करें कि जितना हो सकता है रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए अब चैलेंज लेके करना है ये काम ये नहीं कि बस एक दिन गए और चढ़ा दिया बिल्कुल नहीं ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है तो चैलेंज लेकर वर्क करोगे तो बहुत जल्दी बदलाव बहुत जल्दी चेंजेस दिखेंगे कोशिश यही करना है बस थोड़ा सा ले जाना ये नहीं कि बहुत सारा ले गए थो, थोड़ा सा ले जाना है वहाँ को चढ़ाना है अपनी इच्छा बोलनी है तो अगर आप ये कर सकते हैं ज़रूर इसे करें बात करीजिए स्टूडेंट्स की कैरियर बेसिस पर देखें स्टूडेंट्स तो अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे ना प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हैं प्लानिंग नहीं दिख रही है ऑप्शन बहुत आ रहे हैं स्टूडेंट्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि कोई फ़ीमेल लेडी आपको हेल्प कर सकती है कोई फ़ीमेल लेडी आपको आपकी ग्रोथ में वो आपकी टीचर हो सकती है आपकी मदर हो सकती है सिस्टर हो सकती है बड़ी बहन हो सकती है वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प कर सकती हैं वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकती हैं तो कारियर वाले जो परेशान हो रहे हैं चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो सेम शहद आप ज़रूर बेलपत्री पर थोड़ा शहद ज़रूर लगा के भोले बाबा जी को चढ़ाएँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक जल आपको रोज एक जल लोटा भर के भोले बाबा जी को चढ़ाना है तो ये चीज़ आपको जरूर करना है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए काज की तो बोलूंगी बुरा फेस खत्म होते हुए दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है थोड़ा मेंटली अब आपको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है बहुत सारे लोग अभी एक ना कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं

सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ ज़रूर खरीदें हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनें वेदर यू आर मैरिड यू आर अन मैरिड डजेंट मैटर डजेंट मैटर हरा ज़रूर कुछ ना कुछ चूड़ियाँ ले आएँ या अपने लिए ज़रूर लें और पहने मैं भी लेने जाऊँगी आप लोग को इंस्टाग्राम के थ्रू दिखाऊँगी लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को दिखाई थी राइट right? तो इस बार भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक वो वीडियो पहुँचाऊँ इंस्टाग्राम पे आप लोग ने नहीं फॉलो किया हो तो कर लेना जहाँ पर डेली अपडेट्स मैं देती रहती हूँ एंजल्स गाइड करें सावन सोमवार के महीने के लिए सावन सोमवार के महीने के लिए मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे व्यूअर्स को गाइड करें ओके okay, ठीक है अयर फ्रॉम नाउ आस्क योर एंजल्स ओके बी असर्टिव, दी कंसिडर पीसफुल रेजोल्यूशन देखो मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिमाग में चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं आप लोग के दिमाग में इसलिए एंजल्स भी कह रही हैं कि अपने एंजल्स से पूछो जब भी परेशान होते हो बस अपने अंदर ही अंदर एंजल्स का नाम लो अपने भगवान का नाम लो वो आपको गाइडेंस देंगे थोड़ा अपने आप पर ज़्यादा वर्क करोगे कुछ नया स्टेप लेने का सोच रहे हो कि पार्टनर से जा कर कम्युनिकेट करें पार्टनर से जाके डायरेक्ट बात करें चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो अभी रुक जाओ अभी रुको चेज मत करो भागो मत अभी मत भागो अगर आप जाते भी हो तो अभी पार्टनर इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपको कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी थोड़ा धीरे धीरे आगे चलो थोड़ा देखो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन का मैसेज आया है चीज़ें धीरे धीरे बढ़िया हो रही है तो चीज़ों को धीरे धीरे बढ़िया होने दो आप चीज़ों को लेके चेज़ मत करो आप चीज़ों को लेके भागो मत आप चीज़ों को लेकर ये मत सोचो कि चीज़ें कब मेरे फेवर में होंगी या कब मुझे चीज़ों से बदलाव दिखेगा थोड़ा आपको अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है ये चीज़ कार्ड्स के थ्रू भी पता चला ये चीज़ एंजल गाइडेंस के थ्रू भी पता चला है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ये एक ऐसा टाइम है आपकी लाइफ का जो बदल भी सकता है चीज़ों को फेवर में भी ला सकता है चीज़ों को तो थोड़ा आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें भोले बाबा जी अब आप बताइए थोड़ा गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि ये सावन सोमवार मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है ये सावन सोमवार मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है क्या बात बोलना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइडेंस दीजिए क्या बात बोलना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को कौन सी बात बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को वाओ रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी दैट्स ग्रेट अच्छी तरफ प्रोसीड कर रहे हो अच्छी तरफ प्रोसीड कर रहे हो बदलाव देखोगे एक अच्छी जर्नी को एक्सपीरियंस करने वाले हो इमोशनल हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हुए देख रहे हो लेकिन आप अपौर, देखो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी दिखी यहाँ भी दिखी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी लाइफ में बहुत आ रही हैं और समवेयर अब आपको अब अपने गोल्स पर वर्क करने की ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी समवेयर अब आपको अपने गोल्स पर ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल थोड़ा पीछे हट चुके अपने गोल्स के लिए कहीं ना कहीं अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा आपका स्टैंड लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से करोगे खुद के लिए टाइम भी बहुत निकालोगे लेकिन समवेयर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करो भोले बाबा जी का संकेत यही आ रहा है खुद पर ज्यादा फोकस करो इमोशनली मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अच्छे डिसीजंस पर वर्क करो ओवरऑल सिचुएशन फेवरेबल होगी जो भी नेगेटिविटी हो रही है जो भी परेशानी होगी वो खत्म होगी सो so, ये मैंने आपको छोटा सा वीडियो एक सार के रूप में बताया है कि कैसा है ये सावन का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए कोशिश करें लड़ाई झगड़ों से दूर रहें ज्यादा से ज़्यादा ओम नमस् शिवाय ओम नम शिवाय ओम नमस् शिवाय श्री शिवाय नमस्त भियम श्री शिवाय नमस्त भ्यम श्री शिवाय नमस्त भियम का जाप करें मैं कोशिश करूंगी एक बार चैंटिंग अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूँ ताकि आप सब लोग रोज़ एटलीस्ट उस वीडियो को एक बार ओपन करके वीडियो को सुने आज रात को ही मैं पोस्ट कर दूंगी आप सब लोगों के लिए ताकि कल से जब पहला सोमवार शुरू होगा आप सब लोग उस मेडिटेशन को बस एक बार रोज सुन लेना जो भी आपकी इच्छा है जो भी आपकी है, वो बहुत जल्दी पूरी होगी आज रात को मैं आठ बज के आठ मिनट पर एक विश फुलफिलमेंट मेडिटेशन तो पोस्ट करने वाली हूँ ये मेरा आप, आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जहाँ पर मैं चैंटिंग ऑफ मंत्रा भी करूँगी हो पनो पनो प्रेयर से उनको बोलूंगी जो भी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म करेंगे हमारे भोले बाबा जी और उनके लिए छोटी सी प्रेयर आपकी विश के लिए तो आप कोशिश जरूर करें उस प्रेयर को भी रोज़ करें अगर कुछ भी नहीं कर पाते मैं तो एक छोटी सी हेल्प करूँ कि आप डेली बेसिस पर उस मेडिटेशन को सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा जो पूरे सावन सोमवार सुनना पीरियड्स में भी आप सुन सकते हो कोई इशू नहीं है लेकिन ज़रूर आप उसको करिए तो एक छोटा सा गिफ्ट मेरे व्यूवर्स के लिए सब लोगों के लिए क्योंकि मुझे पता है मैं जब लोगों से बात करती हूँ कंसल्टेस के थ्रू आई नो कि मैम टाइम नहीं मिल पाता यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल लेडीज़ भी करना चाहती है लेकिन हस्बैंड की लाइफ बच्चों की लाइफ में लॉस की वजह से मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ लेकिन एक वो खुद का टाइम जो करने वाला होता है ना वो नहीं हो पाता है यूजली ये फीमेल लेडीज़ के साथ बहुत होता है जो मेरे पास कंसल्टेस के थ्रू आती है और मुझे पता चलता है कि उनके साथ यू नो ऐसी रेमिडीज़ फिर उनको देनी पड़ती है जिससे कि वो डेली बेसिस परफॉर्म करें प्रैक्टिस करें तो मैं ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखकर ये मेडिटेशन लेकर आई हूँ जो कि आज मैं रात को आठ बज के आठ मिनट पर मैं कोशिश करती हूँ आठ से नौ बजे के बीच में कभी भी पोस्ट कर दूँ क्योंकि सेशंस चलते रहते हैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ तो उस चीज़ में प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ बेयर करना लेकिन आज रात को आई विल बी पोस्टिंग द ता वीडियो ताकि आप सब लोग उस मेडिटेशन को सुनें और जो भी आपकी विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं वो पूरी होए सो so फाइनली आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही बहुत ज्यादा 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 बोला है मैंने बट फिर भी मेरा बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दूँ मेरे व्यूवर्स को हर चीज़ें बताऊँ और प्लीज ये ना इंस्टाग्राम के जो फ्रॉड चीज़ें हो रही है इससे बचना जितना हो सकता है बचना बहुत सारे लोग मेरे वॉइस कॉपी कर रहे हैं मेरे कंटेंट कॉपी कर रहे हैं बहुत चीज़ें हो रही है यूट्यूब यू नो इंस्टाग्राम पर लेकिन मैं नहीं सोचती तुमने कॉपी करा है तुम करो कोई इशू नहीं एटलीस्ट यू आर ग्रोइंग एंड इवन आई एम ग्रोइंग तभी तो आप लोग मुझे कॉपी कर रहे हो ये मैं कोई गुरूर में नहीं बोल रही हूँ लेकिन यू नो आई एम वॉचिंग आज कल देर इज़ समवन हु इज़ यूजिंग माई वॉइस और अपने वीडियोज़ में पोस्ट कर देना कैसे कर देना थोड़ा बुरा लगता है लेकिन फिर सोचती हूँ यार बुरा लग के भी क्या होना यार किसी का पेज चल रहा है कोई काम कर रहा है कोई अच्छा काम ही कर रहा है कोई मुझे ही आगे ग्रो कर रहा है तो यू नो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दें मिलेंगे न्यू वीडियोज़ के साथ आज रात का मेडिटेशन बिल्कुल भी मिस ना करें और अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हो आज रात को भी स्टार्ट कर सकते हो सो so, मिलते हैं रात को न्यू वीडियोज़ के साथ रीडिंग कैसी लगी आई एम डैम श्योर आपने वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ऑल द लव कीप सपोर्टिंग आई लव यू एवरी वन राधे राधे